नमस्कार। सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी 35,000 रुपए तक वृद्धि होने वाली है। क्या है पूरा अपडेट, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 8th Pay Commission के तहत केंद्रीय सरकार के द्वारा कर्मचारी और पेंशनर्स को सैलरी में 25 से 35% तक की वृद्धि की जाएगी, जो कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण अपडेट होगा। एक निजी वेबसाइट स्वामी कृपा केंद्र की माने तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति द्वारा फिलहाल यह फैसला लिया गया है कि 2026 के 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन में वृद्धि की जाएगी, जिसमें 25 से 35% तक वेतन वृद्धि में हर कर्मचारी की 35,000 रुपए तक सैलरी में वृद्धि होगी, जिससे सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों तथा बैंक कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार के द्वारा पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो भारत में सभी राज्यों में कुल मिलाकर 10 लाख कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। इसका मुख्य कारण कम वेतन भत्ता देना माना गया है, जिसके कारण सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 8वें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाए, जिससे सभी कर्मचारी की संख्या में वृद्धि होगी और कार्यशक्ति भी परिपूर्ण रहेगी। बाकी इसको लेकर कोई अन्य ऑफिशियल अपडेट होगा तो हम जल्द अपडेट करेंगे।